उत्तराखंड के 10 महत्वपूर्ण व्यंजन जिनके बारे में आप नहीं जानते, तो हम आज आपको बताते हैं। उड़द के पकोड़े। मॉनसून का मौसम हो और साथ में पकोड़े हो तो उत्तराखंड के उड़द के पकोड़े, जिसे आसान भाषा में वड़ा भी कहा जाता है, ये गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड का एक स्थानीय व्यंजन है। उड़द दाल के बने पकोड़ों को पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के दौरान भी परोसा जाता है। अक्सर ये उत्तराखंड के बाढ़ त्योहारों या फिर शादी में बनाया जाता है। लिंगोड़ी की सब्जी। लिंगोड़ी की सब्जी को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। लगभग सभी पहाड़ी लोगों को पसंदीदा सब्जियों में से ये एक है, जिसके सामने अच्छी से अच्छी सब्जी भी स्वाद में कम होती है और साथ ही साथ ये कई औषधीय गुणों से भरपूर है। लिंगड़े की सब्जी के कई लाभ हैं और ये मात्र सब्जी ही नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक दवाई बनाने में भी प्रयोग में आती है। ये जून और जुलाई मानसून के दौरान पानी की धाराओं के पास आसानी से उपलब्ध होती है। मंडवे की रोटी। उत्तराखंड में खाने के बहुत ही प्रकार के व्यंजन प्रसिद्ध हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में मंडवे की रोटी यानी कोदो का आटा और बिच्छू घास का साग यानी कंडाली का साग बहुत ही प्रसिद्ध है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में लोग इन व्यंजनों को पसंद करते हैं। मंडवे की रोटी उत्तराखंड का एक स्थानीय अनाज से बनी स्वादिष्ट और पौष्टिक चपाती है। मंडवे की रोटी गढ़वाल में सबसे अधिक खाई जाने वाली प्रमुखता भोजनों में से एक है। उत्तराखंड में गढ़वाल के लोग अक्सर चूल्हे में मंडवे की मोटी मोटी रोटी बनाते हैं और तिल या भांग की चटनी के साथ बड़े चाव से खाते हैं, और साथ में अगर देसी घी हो तो फिर बात ही कुछ और है। उत्तराखंड में ये पुराने समय से प्रचुर मात्रा में उगने वाला कोदा मंडवा पोषक तत्वों से भरपूर है और इसकी रोटी ठंड के दिनों में हर पहाड़ी घर में खाई जाती है। झंगोरे की खीर। झंगोरे की खीर चावल की खीर जैसी होती है। अंतर ये होता है कि झंगोरा महीन और बारीक दाने के रूप में होता है और आसानी से खाया जाता है। पहाड़ों में झंगोरे को चावल के जैसा पकाकर दाल सब्जी के साथ भी खाया जाता है। कंडाली का साग। बिच्छू घास, जिसे गढ़वाली में कंडाली और कुमाऊनी में सिसूण बोलते हैं, यदि अगर किसी के शरीर में लग गई तो खतरनाक झंझनाहट, दर्द और सूजन होने लगती है। इस पर कांटे होते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कंडाली का साग पहाड़ों में बहुत ही लोकप्रिय है। आम साग सब्जियों की भांति इसकी सब्जी और साग अति प्रसिद्ध है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन तत्वों की मात्रा के साथ मैग्नीज, विटामिन ए और कैल्शियम भी पाया जाता है। रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए ये औषधि का काम करता है। गहत दाल के पराठे। ऐसा नहीं कि पराठे सिर्फ पंजाब में ही पसंद किए जाते हैं, उत्तराखंड में गहत दाल के पराठे खूब पसंद किए जाते हैं। गहत दाल को गेहूं या फिर रागी के आटे में भरकर पकाया जाता है। गहत या कुलत को हमारे शरीर में किडनी पर सकारात्मक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। लोग गहत की दाल को भूनकर भी खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर इसके लिए मंडवे के आटे का इस्तेमाल होता है। फाणू यानी पिसी हुई दाल। फाणू गहत दाल से बना होता है। फाणू बनाने के लिए गहत की दाल को लगभग 4 से 6 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। इसमें गहत की दाल को पीसकर गाढ़ा पकाया जाता है। इसके पानी का खास ख्याल रखा जाता है। पिसी हुई गहत अच्छे से गाढ़ी हो जाए तब उसमें बारीक टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन आदि डालकर इसे अच्छी तरह पकाया जाता है। बाड़ी को कोदे का आटा। बाड़ी को कोदे के आटे से बनाया जाता है। बाड़ी को गहत की दाल या फाणू के साथ खाया जाता है। इसे बनाने के लिए मंडवे के आटे को गर्म पानी के साथ मिलाकर हलवे की तरह गाढ़ा पकाया जाता है। गढ़वाल में अधिकतर पकवान और व्यंजन बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल होता है। वैसे ही बाड़ी को लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। गरम गरम फाणू को गरम गरम बाड़ी के साथ खाना ये उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय भोजन है। भंगजीरे की चटनी। आप अगर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हैं और चाहे किसी भी तरह का भोजन कर रहे हैं, भंगजीरे की चटनी इसे और स्वादिष्ट बनाती है। इसका खट्टा, नमकीन, तीखा फ्लेवर सभी तरह के पराठे और मंडवे की रोटी के साथ जबरदस्त जायके का काम करता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में भांग, भंगजीरा, तिल, लैया यानी सरसों के दाने से लेकर हरी पत्तियां जैसे लहसुन, मुआरा की पत्तियों से भी चटनी बनाई जाती है। चैसूड़ी। चैसूड़ी गढ़वाल की एक पौष्टिक आहार दाल है और इसे काले चने की दाल, उड़द, काले भट्ट का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसमें उड़द और भट्ट की दाल को पीसकर गाढ़ा पकाया जाता है। इसके स्वाद में इजाफे के लिए बारीक टमाटर, प्याज, अदरक का पेस्ट बनाकर खूब पकाया जाता है। ये दिन के खाने के तौर पर खूब पसंद किया जाता है। आमतौर पर इस दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इसे पचाना मुश्किल होता है। हालांकि कहा जाता है कि इसे भूनने से इसका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।